गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एडवर्ब्स. एडवर्ब्स एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. इट ऑल्सो एड्स मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब. एडवर्ब का अर्थ है क्रिया विशेषण. वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं और एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण की विशेषता भी. हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि एडवर्ब है वो वर्ब की कैसे विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की कैसे बताते हैं और एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं. आर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द डियर रन स्विफ्टली. हिरन तेज दौड़ा. इसमें वर्ब है रन और एडवर्ब है स्विफ्टली. तो जो रन की जो क्वालिटी बता रहा है, रन की जो विशेषता बता रहा है, वो वर्ड है स्विफ्टली. तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब कहते हैं. तो रन हो गई हमारी वर्ब और स्विफ्टली हो गई एडवर्ब. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ शी राइट्स वेरी नीटली. अगर हम ये कहें शी राइट्स नीटली, तो शी राइट्स नीटली, इसमें जो नीटली है अगर हम उसके साथ वेरी लगा दें तो वेरी है वो राइट्स को राइट्स के साथ कम्बिनेशन बना रहे हैं नीटली के साथ. शी राइट्स वेरी, इसका कोई भी मीनिंग नहीं बना. शी राइट्स वेरी नीटली यानी कि वो नीटली की क्वालिटी बता रहा है वेरी. तो एडवर्ब वेरी भी हो गया और एडवर्ब नीटली भी हो गया. तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की तारीफ कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट है एडजेक्टिव को. एग्जाम्पल इज द मिल्क इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक. कि जो दूध है बहुत गर्म है पीने के लिए. तो इसमें एडजेक्टिव हो गया हॉट और एडवर्ब हो गई टू, क्योंकि वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है. एक एग्जाम्पल है रीना इज़ वेरी टॉल. तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव. रीना की विशेषता बता रहा है कि रीना बहुत लंबी है. एंड रीना इज़ वेरी, तो यानी कि वेरी टॉल की क्वालिटी हो गई वेरी. तो टॉल की क्वालिटी अगर एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है तो वो एडवर्ब हो गई. तो वो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रही है. सो वी कैन से दैट एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. हमने एग्जाम्पल से समझा है कि एक जो एडवर्ब है वो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, उसकी तारीफ करता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है. नाउ वी विल डू द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम. फोर इज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड फिफ्थ इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है बेटा? मैनर में होता है हाउ. जहाँ पे एडवर्ब हाउ को आंसर कर रहा है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है. द अंडरलाइन एडवर्ब गिव अस द आंसर हाउ द एक्शन इज डन. कि एक्शन कैसे हुआ है. इट टेल्स अस और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. कि किस तरीके से एक्शन को किया गया है. इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ, हाउ यानी कि हाउ को आंसर कर रहा है. एग्जाम्पल है ही बिहेव्ड चैरिटेबली, शी डांस्ड ग्रेसफुली. जैसे इसमें हम हाउ को क्वेश्चन करें हाउ शी डांस्ड, तो आंसर इज शी डांस्ड ग्रेसफुली. तो इसमें हाउ को आंसर कर रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. सेकेंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है, वो वेयर को आंसर कर पा रहा है यानी हमारा एडवर्ब. The underlined adverb gives us the answer where the action is done. It tells us where or at what place an action is done. जैसे ये है, हम क्वेश्चन करें where will you go? तो answer is I will go to Delhi. तो इसमें where को answer हो गया. जहाँ पे where को answer कर पाए वो adverb of place होता है. Example, don't go outside, they will wait here. Next है adverb of time. Adverb of time में give us answer when the action is done. It tells us when or at what time an action is done. इसमें adverb
वेन को आंसर कर पा रहा है या नहीं। एडवर्ब इज एबल टू टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन वेन एंड देन। एग्जाम्पल है वेन विल यू, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं वेन विल यू गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो इसमें अगर वो वेन को आंसर कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसमें समय बताया जाए नाउ देन टुमारो नेक्स्ट डे। इट इज़ एग्जाम्पल मैंने लिखा है इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी हो रही है बारिश। ही विल गो टू डेंटिस्ट टुमारो। सो द एडवर्ब गिव अस द आंसर व्हेन द एक्शन इज डन इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का अर्थ है कब कब और कितनी बार। वो वर्ड जो हाउ ऑफन को आंसर करे वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट टेल्स हाउ द हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन इज डन, कितनी फ्रिक्वेंटली कितनी बार ये एक्शन हुआ है। एग्जाम्पल आई टेक एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग, डेली करता है वो एक्सरसाइज। शी नेवर, कभी भी झूठ नहीं बोला। शी नेवर टेल्स अ लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलता। ही ऑफन गोज फॉर शॉपिंग विद हिज मदर, वो हमेशा अक्सर सॉरी वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग पे जाता है। जैसे हम क्वेश्चन करें हाउ ऑफन डू यू विजिट हॉस्पिटल, तो आंसर आई विजिट हॉस्पिटल वंस इन अ मंथ। नेक्स्ट है बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं, इसमें हाउ मच होता है, हाउ मच यानी कितना, इसमें क्वांटिटी की बात नहीं होती है, इसमें इंटेंसिटी की बात होती है, एक्शन की इंटेंसिटी की। जैसे एडवर्ब गिव द आंसर हाउ मच एन एक्शन इज डन, इट टेल्स हाउ मच और इन व्हाट डिग्री एन एक्शन इज डन, कितना हमारा काम हुआ है, हाउ मच। जैसे मैं क्वेश्चन करूँ हाउ मच वर्क यू हैव डन, तो आंसर इज आई हैव डन माई वर्क कम्प्लीटली। तो हाउ मच को जो आंसर करे वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। एक्शन की इंटेंसिटी के बारे में बात की जाती है। एग्जाम्पल है आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू मीट यू, बहुत ज़्यादा खुश हुआ तुमसे मिलके, ओके इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट, लगभग पूरी हो गई है किताब। हाउ यू कैन बी केयरलेस, आप इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। सो द अंडरलाइन एडवर्ब्स गिव द आंसर हाउ मच इन एक्शन इज डन इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके गुड बाय।